आदित्य, बेटा अभी तक वो क्यों बैठी है? सब तो चले गए, वो जा क्यों नहीं रही? अम्मा वो अपनी कार नहीं लेकर आई, चांदनी चौक में पार्किंग को लेकर थोड़ा इशू है ना, कैब बुक करने की कोशिश कर रही है पर बार बार कैंसिल हो जा रहा है। तो ठीक है, उसकी कैब नहीं आ रही है तो बोलो उसे ऑटो पकड़ के चली जाए। जी सौम्या, आज क्यों जिद पकड़ कर बैठ गई है? मैं सबके सामने उसे कैसे चूड़ियां पहना सकता हूँ? नहीं अक्षत, सुबह से 4 आइसक्रीम खा चुके हो, अब और नहीं। मंगल, लक्ष्मी कहाँ है? अम्मा वो एक राज है, कार्तिक उसे अपने साथ लेकर गया है मंगलसूत्र खरीदने के लिए। लो भाई कर लो बात, ये कार्तिक ने भी एक नई रस्म निकाल ली है ना, कितना ख्याल रखता है लक्ष्मी का। अम्मा मैम, ये हमारा बेस्ट कलेक्शन है, प्लीज ट्राई कीजिए। लक्ष्मी तुम्हें जो पसंद है चुन लो। कार्तिक जी, आप मुझे यहाँ इसलिए लाए हैं? मैं क्या बताऊं, आपको जो पसंद है ले लीजिए। महालक्ष्मी मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहने वाली हो, इसलिए मैंने पहले से इंतजाम करके रखा था। वो देखो। जिया जी, थैंक यू जिया, थैंक यू फॉर कमिंग। हाय लक्ष्मी। हाय जिया, मैंने तुमको लक्ष्मी की हेल्प करने के लिए बुलाया, अब देखो और प्लीज सिलेक्ट करके बताओ कि लक्ष्मी को क्या पहनना चाहिए। कार्तिक तुमने इसलिए मुझे यहां बुलाया है? मंगल भाभी भी तो हेल्प कर सकती थी ना। मंगल भाभी के पास और भी काम है, और वैसे भी क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकती हूँ। आओ लक्ष्मी, तुम्हें कौन सा पसंद है? जो कार्तिक जी को पसंद हो। लो कार्तिक, इसने साफ साफ कह दिया जो तुम्हारी चॉइस है वही उसकी चॉइस है, लो तुम चूज करो। कोने कोने में गरीबी महक रही है। बुआ जी, मैं और यहाँ नहीं रह सकती। निधि बेटा आदत डाल लो, गरीब घर की लड़की तुम्हारी भाभी बनकर आ रही है, ये मैं एक तो तुम्हारे घर में बसने वाली है। बुआ जी हम कहीं और चले प्लीज। अपने मम्मी के सामने ही मत बोल देना, झाड़ खा जाओगी, उन्होंने खाए, चुपचाप यहाँ रहो। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर? कुछ चाहिए आपको? यहाँ अभी थोड़ी देर में कूलर भी लग जाएगा, और निधि ये आपके लिए पानी मैं और भिजवा दूंगी, आप यही पीजिएगा, आपको आदत नहीं होगी ना हर जगह का पानी पीने की। कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता दीजिएगा। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस चाहते हैं कि ये जबरदस्ती की शादी खत्म हो और हम घर जाएं। अरे पानी गिर। निधि जबरदस्ती की शादी से क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो दीदी। आपको नहीं पता क्या? आपने तो देखा ही होगा कि कार्तिक भैया बिल्कुल खुश नहीं है इस शादी से। माने जिद की और बेचारे कार्तिक भैया को जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। और कुछ चाहिए हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस चाहते हैं कि ये जबरदस्ती की शादी खत्म हो और हम घर जाएं। अरे पानी गिरे।
दीदी, जबरदस्ती की शादी से क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो दीदी। आपने तो देखा ही होगा कि कार्तिक भैया बिल्कुल खुश नहीं है इस शादी से। माँ ने जिद की और बेचारे कार्तिक भैया को जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। माँ की जिद ही ऐसी है, सबको सुननी पड़ती है। हम भी तो सुन रहे हैं यहाँ रहकर। लिपिका, अरे तू ये क्या कर रही है? मेरी चिट्ठी, तुझे कुछ रेडी वेडी नहीं होना क्या? यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रही है? लिपिका, तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी चिट्ठी ऐसे क्यों फेंक दी? अगर ये शादी हो गई ना, तब तो मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। अब देखती हूँ कैसे होगी तेरी शादी। मुझे भी कहाँ पता था कि कार्तिक की शादी इस तरह से इतनी जल्दी हो जाएगी। अब तक सपना सा लग रहा है मुझे। बॉसी जी, एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। आप, एक्सक्यूज मी, क्या बात है मंगल? सब कुछ ठीक तो है ना? मौसी जी, वो निधि कह रही है कि वो तुम इग्नोर करो, उसके नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। बिगड़ गई है वो, पर मैंने उसे समझा दिया है, एडजस्ट कर लेगी वो। मौसी जी, कार्तिक क्या जबरदस्ती शादी कर रहा है? अगर मंगल या लक्ष्मी को जिया और कार्तिक के बारे में पता चल गया ना, तो वो उसी समय शादी तोड़ देंगे। ये क्या कह रही हो तुम मंगल? मौसी जी, मुझसे दीदी ने कहा कि ये शादी जबरदस्ती। अरे वो तो बच्ची है, कुछ भी कह देगी। और वो सब कुछ सुन के तुम मुझसे सवाल करने चली आई? नहीं मौसी जी, मैं तो बस आपसे पूछने आई हूँ कि अगर ये सच है तो मुझे बता दीजिए, मेरी लक्ष्मी को मैं किसी भी जबरदस्ती के बंधन में डालकर उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। वो क्या है ना, जरा सा भी शक आता है ना तो मैं डर जाती हूँ। मौसी जी, मैंने कार्तिक को देखा है, वो मुझे थोड़ा उखड़ा हुआ लगा था, तभी मुझे अजीब तो लगा था, जैसे कि वो खुश नहीं है। वो ये शादी कर तो रहा है, लेकिन मेरे सर पर हाथ रखकर बताइए, कार्तिक की शादी किसी दबाव पे तो नहीं हो रही है ना? बोलिए मौसी जी। नहीं। मंगल, ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है। आप देवी बनकर आई है मेरे लिए, थैंक यू। चलिए, मैं सबके पैसे चुका देती हूँ और जल्द से जल्द मैं आपके पैसे भी चुका दूंगी, भरोसा रखिएगा। बेवकूफ औरत। पता नहीं चिट्ठी कहाँ चली गई। आपकी चिट्ठी मैंने खो दी कार्तिक जी।